एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दिस लॉन्च ऑफ द फर्स्ट पोस्टर. ये मेरी डेब्यू मूवी है. इट्स अ टोटल कमर्शियल कॉमेडी मूवी वेयर एट द वन एस्पेक्ट वी आर शोइंग कि एक आदमी अगर किसी का लुक लाइक है तो उसके लाइफ में क्या क्या इंस्टेंसेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी एंगल. बाकी सेकेंड कैरेक्टर यश वन ऑफ माई ब्रदर. एग्जैक्टली बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट. आपने कभी बॉलीवुड में आज तक देखा नहीं होगा, हो सकता आने वाले टाइम पर देखें आप. सर इधर देखिए कैमरा में. ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज तक आपने बॉलीवुड की किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा. दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आधा लड़का आधी लड़की लाइक दिस. ये फुल ऑन कॉमेडी मूवी है जिसमें जो कि म्यूजिकली हिट होगी. म्यूजिक इसका बहुत अच्छा है. ये बेसिकली जो मैच ऑफ लाइफ तीन लोगों के ज़िंदगी का मैच है इसमें. मी मेरी ज़िंदगी का मैच, विराट इनकी ज़िंदगी का मैच एंड मिस्टर बंटी सर उनकी ज़िंदगी का मैच. अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियाँ. मेरी फिल्म हटके हैं लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में कह सकता हूँ कि वाकई हटके हैं. इसका पूरा जो स्क्रीन प्ले है, पूरा उसका जो फ्रंट जो फिल्म का है वो बहुत ही डिफरेंट है. डिफरेंट रोल है, डिफरेंट मोमेंट है. फिल्म में काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अलग तरीके से ये प्रेजेंट किया जाएगा. तो आप भी नज़र आने वाले हैं शिवम भाई? हाँ जी, मैं इस फिल्म में मेरी एंट्री इंटरव्यू के बाद हो रही है क्योंकि हर कमीने इंसान की एंट्री इंटरव्यू के बाद ही होनी चाहिए ताकि लोग इंतजार करें कि ये कमीना आके क्या करे. तो रियल लाइफ में विराट और अनुष्का तो मिल गए, रियल लाइफ में नहीं मिलने देंगे? नहीं मिलने दूंगा क्योंकि मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा और वही औकात को देखने के लिए फिल्म वाले लोग आएंगे कि ये कमीना आया तो दुनिया में इनकी दुनिया में क्या कलबली मचा था. प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस पोस्टर, कीप वॉचिंग फॉर द फिल्म कि मैं आके क्या करता हूँ. मैं कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ अलग करके दिखाऊँ. देखो बॉलीवुड है, सब प्रोजेक्ट अपने अपने करते हैं लेकिन मैंने कुछ अलग सोचा. रात के 2-2 बजे तक जाग के ये सोचा कि कुछ अलग करके दिखाऊँ. तो वो अलग क्या है? वो अलग ये सस्पेंस है. अभी नहीं खोलना चाहता मैं ये. आप थिएटर में जाइए, जब रिलीज होगी जब आप देखिए. अभी सस्पेंस खोल देंगे तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग जरूर. आप कहेंगे कुछ अलग हुआ है. विराट के जीवन पे कुछ आधारित? नहीं नहीं, विराट के जीवन पे नहीं है. ये हमारी एक कहानी है कि एक सेलिब्रिटी की शक्ल लेके कोई पैदा हो जाता है तो उसके साथ जीवन में क्या क्या नेगेटिव होता है, क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो ये सब दिखाने की हमारी कोशिश है. नहीं तो वही कहना चाह रहा हूँ, सेलिब्रिटी के तौर पे विराट का शक्ल क्यों यहाँ पे, वही कहना चाह रहा हूँ. विराट का कॉपी है ना हमारे पास, ये है. ये विराट का शक्ल नहीं है, ये विराट पोस्टर पे मेरी फोटो है. ये अमित है, ये पोस्टर पे मेरी फोटो है. अच्छा अच्छा, रियल रियल विराट वो नहीं है? नहीं नहीं, वो रियल विराट नहीं है. विराट की कोई बट इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंगल, पाजी अगर 100 है तो मैं भी 99.9 रहूंगा ऑन स्क्रीन. दैट यू सी. अच्छा कितनी तैयारी की है? वेल हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे. रात में 2-3 बजे तक मुझे एक बार ये उठा कर कहते थे, यू नो यू हैव टू गेट थ्रू द स्क्रिप्ट. एंड मैं कहता सर सुबह सोने दिए. ना ना ना, यू हैव टू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, कम ऑन यार, इट्स योर डेब्यू मूवी. तो वो डेडिकेशन लेवल जो सर ने मुझे दिखाया और पाजी से मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, इफ टुडे यू आर 90 गो अहेड वर्क फॉर इट एंड यू हैव टू बी 90.1 नॉट 89.9. सो इट्स अ कमिटमेंट लेवल दैट एट द एंड ऑफ द डे दैट विल मेक व्यूअर्स गो टू एंड फेस्ट टू द स्क्रीन. अमित अमित अमित, चैलेंज कितना है आपके कंधों पर? बिकॉज विराट का अगर शिखर होता है जी, विराट की अगर हम बात करें बहुत हाई लेवल उनका, ये चैलेंज है आपको? चैलेंज तो बहुत बड़ा है बट उतने ही बड़े चैलेंज फेस करने के लिए मैंने उतनी बड़ी तैयारी भी की है. तो चैलेंज है जयस के पास चलते हैं. जयस कुछ राज को, यस यस राज को खोल नहीं रहे सर. पोस्टर के बारे में हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं लेकिन आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर दैट आई कांट रिवील द सस्पेंस ऑफ दिस मूवी. सर मजा खत्म हो जाएगा तो पब्लिक क्या देखेगी थिएटर में? थोड़ा तो रोशनी डाले ताकि दिलचस्पी बढ़े ना लोगों में. आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. सर सर क्या बट्टी बट्टी क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म एक लाइन में बोलूँगा, फिल्म वाकई बहुत हटकर है. ऐसा नहीं है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं कुछ बात बोल रहा हूँ लेकिन फिल्म में आपको डेफिनेटली कुछ अलग ही देखने को मिलेगा. इनफैक्ट आपको ये कॉमेडी फिल्मों में जैसे म्यूजिक रहते हैं इसका वो म्यूजिक भी नहीं है, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा फिल्म हमारी बहुत डिफरेंट है. बहुत मज़ा आने वाला. चलिए विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कहानी की अगर बात करें तो कैसे सहन में आया कि कभी कहानी होनी चाहिए और
वाकई में लोग पसंद भी करेंगे इस कहानी को, बिकॉज हर युवा को ये रिलेट करता है। कैसे आया इस फिल्म की बात करें, कहानी की बात करें, स्टार कास्ट की बात करें, खास करके अमित की बात करें, लुक की बात करें, और एक जयेश यश जी हैं उसके लुक की बात करें, क्या है ये? एक्चुअली मैं इस फिल्म का एज ए डायरेक्टर हूँ, सलीम खान। दूसरी चीज़ ये है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट आया है मेरे दिमाग में, वो कुछ उन करेक्टरों को लेकर के आया है जैसे कुछ स्टार की शक्ल लेकर के पैदा होते हैं कुछ लोग, पॉजिटिवली उनकी लाइफ में होता है लेकिन नेगेटिविटी क्या होती है ये नहीं पता किसी को। दूसरा यश जी है हमारे, ये दो तरह के करेक्टर इस फिल्म में निभा रहे हैं। एक तो एंग्री मैन है, ये दिन में काफ़ी रफ एंड टफ है, लेकिन इनको एक श्राप है, एक मिला हुआ है भगवान की तरफ से, हार्मोन चेंज हो जाते हैं इनके और कैसे फीमेल करेक्टर में पहुँच जाते हैं इनको खुद याद नहीं होता। मॉर्निंग में उठते हैं देखते हैं यार ये कुछ भी नहीं है। इनकी लाइफ इतनी भागम भाग है इस पूरी फिल्म के अंदर और इतना एंटरटेनमेंट करेगी लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से अच्छा बनाऊँ आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए आज का दौर क्या है, लोग डिप्रेशन में रहते हैं। सड़क की याद दिलाएगी लगता है सर। सड़क एक अलग कॉन्सेप्ट था, वो एक अलग चीज़ थी, बट ये कॉन्सेप्ट एक अलग है, ठीक है ना? नहीं नहीं खोलना वगैरह कुछ नहीं, वो एक अलग नहीं, अगर कुछ खुलवा भी लेंगे तो कुछ जाएगा भी नहीं मेरा, क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बन रही है फिल्म, बन रही है तो, और हमारे राइटर साहब भी मकबूल साहब इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी। अमित के बारे में आते हैं, अमित जी, हाँ अमित मिश्रा जी देखिए आपके सामने हैं, विराट कोहली जी के चेहरा मिल रहा है इनसे और इनको आज भी पता है कि रियल लाइफ में इनको भी किस तरीके की परेशानी आ रही है, ठीक है ना? तो वो चीज़ तो मैंने दिखाई है, बट इनके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे नहीं मिलते स्टार से, बट उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है लाइफ में, ठीक है ना? तो उस चीज़ के ऊपर भी है ये फिल्म। और एक तीसरे करेक्टर है हमारे बंटी जी। देखिए हमारा जो आज की दुनिया ना बड़ी आगे चली गई, बड़ी फास्ट हो गई है, बट बंटी जी एक अपने दादा परदादाओं की एक प्रथा को चला रहे हैं कि व्हाट्सएप नहीं जानते, फेसबुक नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बट जब इनको इनका सामना करना पड़ता है सारी चीज़ों का तो कैसे कैसे एक नई नई कॉमेडी क्रिएटिविटी पैदा होती है, वो इस फिल्म के जरिए हमने दिखाई है सब कुछ। सर 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 सब लोग बात करते हैं कि मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। हम ये बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आइए देखिए फिर हमको खुद बता रहे यार तुम्हारी फिल्म का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तीन दोस्त हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी है, जैसा भी बताया सबने, उनका करेक्टर ऐसा है कि व्हाट्सएप नहीं जानते, फेसबुक नहीं जानते, ऑनलाइन में नहीं जानते। वैसे हमारा एक करेक्टर है, जैसे रतौंधी होती है ना शाम को अंधा हो जाता है, वैसे ही शाम होते हमारा एक करेक्टर दूसरे मोड में चला जाता है, लहर से बना। तो उसमें क्या चीज़ें फ़न क्रिएट होता है वो है इसमें, और अपने आप में एक अजूबा आइडिया है। दूसरा हमारा एक करेक्टर है जिसका फेस विराट कोहली के जैसा मिलता है, तो मज़े की बात तो सबको पता है, लेकिन इस फेस की वजह से उसको क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे कैसे अटपटी सिचुएशन बन जाती है, वो सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग फिल्म देखिएगा फिर बताइएगा कि हमने हमारी कोशिश कैसे की। खास मित्र है सलीम भाई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं सलीम भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये फिल्म जो बन रही है जैसे कि मैच हम सबकी ज़िंदगी में मैच ही चल रहा है, जैसे आपकी हमारी सबकी ज़िंदगी में एक मैच ही होता है, टास जैसे हम उसको बोलते हैं कि टास, जीवन ही एक टास है, ज़िंदगी एक मैच है। तो ये कहानी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कहानी है और ये फिल्म रिलीज़ हुए और सुपर हिट हुए, ये मैं शुभकामनाएँ देता हूँ सलीम भाई को और उनकी पूरी टीम को, और रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया रेडियो पर आरजे भी हूँ और यही कहना चाहूँगी इस मूवी के बारे में, अभी स्क्रिप्ट तो आपको नहीं बता सकती हूँ, स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और जो भी इस मूवी को देखेगा शुरू से लेकर एंड तक वो यही कहेगा वाह क्या मूवी है, और एक जाकर 10 लोगों को ज़रूर बताएगा और कहेगा एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ देखना है तो सिर्फ और सिर्फ ये मूवी देखिए। तो किरदार नहीं, क्या किरदार है इस फिल्म में? अभी किरदार नहीं बता सकती आपको क्योंकि दो किरदारों में मैं फंसी हूँ कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो अभी फिक्स नहीं है मेरा कि कौन सा किरदार करना चाहिए मुझे, तो लेकिन काम जरूर करेंगे। नहीं ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, अभी इससे पहले मैं पंजाबी मूवी कर चुकी हूँ, एक और हिंदी मूवी मेरी आने वाली है, सीरियल्स काफ़ी कर चुकी हूँ, बस यही।